अब क्यों चुपचाप? गौर से देखो, ऐसे बच्चे देखिए जो खाने के लिए मार रही है, और पता है किस चीज के लिए? ये चीज के लिए। और इसको इसको देखो देखो देखो, छोटी बहन कैसे मार रही है, जैसे कह रही मैं। और बड़ी भी देखो, बड़ी बड़ी भिखारी। ये तीन पाकिटे मंगाई, ये तीन पाकिट के लिए ये ऐसे कर रही है, इतनी जोर से मारते है डिंकी। देखो बेहोश हो गई, अब इस पे हम क्या बताए, दोनों बेहोश हो गई। और एक राक्षस खा के भग गया है। गाइस, तो अभी मैंने आपको दिखाया ना, तो ये दोनों है ना, एक ये पैकेट मिक्सर पैकेट के पीछे लड़ाई कर रही थी। ये देखो, ये देखो देखो देखो, मुंह नहीं दिखा रही, लाल टी शर्ट वाली ये पिद्दी दिखने में कितनी भोली भाली दिखने में कितनी भोली, और ये काली जो कलूटी है ना, वो काली कलूटी तो उससे भी दिखने में भोली भाली, लेकिन ऐसे खून नोच नोच के खाती है दोनों ही। मतलब इतनी सी चीज़ के लिए डेली, वो भी डेली मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ देती हूँ, तो इसके लिए ये लड़ाई कर कर के खा रहे हैं। देखो आपके बच्चे ऐसे करते हैं क्या? दूध नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे ना डिंकी मोमोज बना रही थी, और हम लोग वहाँ पे खा रहे थे, बहुत ठंड थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो डिंकी बोल रही थी आज ना खाना नहीं बनाएंगे, सुबह मतलब ये बनाया था, तो इसीलिए वो बोल रही थी कि आज मोमोज ही खाएंगे, तो हम लोगों ने मोमोज ही डिनर में किया था। और मेरी तबीयत है ना बिल्कुल, कभी अच्छी हो रही कभी ये हो रही थी, तो इसी चक्कर में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। तो यहाँ पे फिर मैं नहा धो, फिर जो सेकंड डे का मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो यहाँ पे ये वेनसडे का है, तो यहाँ पे मैं अंडा करी बना रही थी, क्योंकि मेरा मुंह है ना बहुत ही मतलब ये हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अंडा करी बना लेते, दिन का ही था ये, लंच के समय था हम लोगों ने। और मेरा आवाज़ भी आपको अभी ऐसा ही आ रहा होगा, क्योंकि कभी खांसी बढ़ रही कभी कम हो रही, इस टाइप का हो रहा था, तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं शेयर कर लूं करी, और आज वेनसडे, ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, सोचा चलो आज एग ही खा लिए जाए, ठंडी में गर्मी में कोई खाता नहीं, तो चार एग मंगा लिए थे हम लोगों ने, और अब हम बना रहे, अब इसका मसाला बना रहे है। ये मैंने उबाल के दिए, वहाँ पे चावल हो रहे है, रोटी बना लेते हैं, और गर्मा गर्म अभी समय हो चुका है, अभी शायद एक बज चुका होगा है ना, हाँ एक बज चुका है, और इन लोगों का वेकेशन ऐसा चल रहा है तो अभी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते वक्त तो अब टाइम काफ़ी हो रहा था, तो दोनों मिलके कर लेते हैं, तो ये बोली मैं सब्जी में बगाती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो बस यही है ज़्यादा बताना हो गया ना फिर। तो मैं रोटी बनाती हूँ, इधर चावल कर दी मैंने, और हमारी दीपर ही रानी बैठी है चूल्हे के पास, आज हमने चूल्हे जलाए वो दुल दुल है, तो इधर का इग्नोर कीजिएगा, ठीक है फिर मिलती हूँ आपको बाद में, है ना। तो ये है, हम लोगों ने ना फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये गद्दा मैट्रेस, तो बहुत अच्छा था, ये वन लेयर वाला है, थ्री लेयर वाला है, मतलब अपन इसको है ना दुमट करके बाहर भी बैठ सकते, उठा भी सकते, तो मस्त सॉफ्ट गद्दा है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं इसमें सोती थी ना, वो नारियल वाला था, तो पूरा ये ही उठा, और हम इधर सो के देख रहे हैं ऐसे, इसलिए आपको फैला दिख रहा होगा, ये देखिए इसकी लेंथ है ना इतनी है, और मतलब थ्री लेयर है ना, फुल फोल्ड भी हो सकता है, जैसे मतलब कोई आए तो अपन नीचे भी बिठा सकते हैं इसको फोड़। देखिए ये बल्लर, और ये वाले पेड़ से है, तो इतने निकली है, अभी इसके हम लग करेंगे सब्जी बनाएंगे, रात को मटर पनीर बनाया था, तो मैं शेयर नहीं किया आपके साथ। अब ये घर की बल्लर क्या है, इसमें है ना केमिकल बिल्कुल नहीं रहते, तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, तो अभी बनाऊँगी मैं अच्छे से, तो धूप भी बहुत ठंडी, आपकी इधर भी ठंडी होगी ना, तो बस इसी के साथ। और ये टमाटर लगे, देसी खाने में मज़ा ही रहती है, और मैं बोल रही आपको वही वही इसलिए दिखाती हूँ, क्योंकि ग्रीनरी है ना देखने में बहुत मज़ा आती है इस समय, ज़्यादा से ज़्यादा दिखने में, और फूल वगैरह, और मेरा गला भी बैठ गया है, मेरा गला भी बैठ गया है, तो फिर बस यही है कुछ अपडेट। अभी बज चुके होंगे 12 बज चुके, ऐसा लगता है कि सुबह ही है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, और काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा लगता है कि बैठे रहो बैठे रहो। ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।